नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईडी में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं जेईई मेन की परीक्षा की ओर। आपको याद है कि आज जेईई मेन की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, जिसको देने के लिए लगभग 8 लाख लोग परीक्षा सेंटर पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि परीक्षा सेंटर्स पर आज तस्वीरें सामने आई है कि वहां पर उचित मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था सही रूप से की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा सेंटर को बढ़ा करके 570 से 660 कर दिया गया है। जेईई और मेन परीक्षा देने लाखों की संख्या में पहुंचे हैं छात्र। आपको बता दें कि आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है। सेंटर के बाहर छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था भी सेंटर के बाहर देखने को मिली थी। अभी तक की खबरों के मुताबिक परीक्षा केंद्र के बाहर शांतिपूर्ण माहौल रहा और छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए हैं। परीक्षाएं 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक चलेंगी। इस परीक्षा में 8 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सेंटर्स के बाहर छात्रों के लिए मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने परीक्षा करवाने का विरोध किया था। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी सहित अन्य नेता भी शामिल थे। छात्रों के स्वास्थ्य का हवाला देकर वह परीक्षा न करवाने की मांग कर रहे। परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका डाल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना था कि कोविड-19 के समय में भी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। उनका मानना था कि परीक्षा कैंसिल करने की वजह से छात्रों को नुकसान होगा। एनटीए द्वारा रिलीज किए गए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक छात्रों की सुरक्षा के लिए सेंटर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। सेंटर्स की संख्या 570 से बढ़ा करके 660 कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जेईई मेन कंप्यूटर बेस्ट परीक्षा है। इसका मतलब 27 देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।